हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि पप्पी डिवॉर्मिंग हमें कब करनी चाहिए और इसका पूरा का पूरा शेड्यूल क्या है, क्योंकि एक निश्चित शेड्यूल फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आप सभी को पता है। तो शेड्यूल भी आपको पता होना चाहिए ताकि आप कभी भी मिस ना करें। कई जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो नज़दीकी पशु चिकित्सक के पास जाते नहीं हैं, बराबर चेकअप करवाते नहीं हैं और डिवॉर्मिंग की तरफ भी ध्यान नहीं देते। तो साथियों, उन्हीं के लिए ये वीडियो ज़रूरी है, क्योंकि जब आप पेट के पास जाएंगे तो वो आपको सलाह दे देंगे कि डिवॉर्मिंग शेड्यूल जो है ये आप फॉलो करें। लेकिन अब जब आप जा ही नहीं रहे हैं, आपको पता ही नहीं है डिवॉर्मिंग क्या है, कैसे क्या है, तो वो जो है वो मेरा वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको पता लग जाए कि डिवॉर्मिंग शेड्यूल क्या है। पिछले वीडियो में मैंने जानकारी दी थी कि डिवॉर्मिंग क्या होती है, व्हाट इज पप्पी डिवॉर्मिंग और ये क्यों ज़रूरी है, इसके लिए मैंने जानकारी दी थी, जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है आप देख लेना। इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा शेड्यूल बताने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करना चाह रहा हूं कि आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल वाला बटन है उसे भी दबा लें, क्योंकि डॉग से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो हमारे चैनल से पीछे नहीं रहेगी। चाहे वो किसी बीमारी का इलाज हो, चाहे वो किसी भी नस्ल की जानकारी हो, चाहे खान पान रख रखाव बैलेंस डाइट की जानकारी हो, सब कुछ इस चैनल पर हम आपके लिए लेके आएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो ही हमारा पप्पी 15 दिन का हो जाता है, यानी जब वो आँखें खोलता है, उसी समय हमें उसकी प्रथम डिवॉर्मिंग करवा देनी चाहिए। यानी 2 सप्ताह यानी 15 दिन के बाद, 14 या 15 दिन के बाद आपको पहली डिवॉर्मिंग करवानी है, ये आप विशेष ध्यान रखें। और अक्सर मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो इस डिवॉर्मिंग में चूक जाते हैं, नहीं करवाते हैं, जबकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। डिवॉर्मिंग शेड्यूल अगर आप पूरा फॉलो करते हो तो जो अर्ली स्टेज में यानी 3 महीने से पहले पहले जो पपीज की डेथ होती है वो नहीं होगी, और इस स्टेज में पपीज जो है वो बहुत ज़्यादा मरते हैं। तो उस डेथ को रोकने के लिए, उस मोर्टिलिटी को रोकने के लिए हमें ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो आप डिवॉर्मिंग पहली जो है वो 15 दिन से यानी 2 सप्ताह के आसपास, 14 या 15 दिन से आप ज़रूर करवा दें। उसके बाद हर 15 दिन से हमें डिवॉर्मिंग करवानी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जब तक हमारा पप्पी 3 महीने का नहीं हो जाता। यानी 3 महीने तक की एज तक हम हर 15 दिन से उसकी डिवॉर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा लगातार देते रहें, ये उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। इसके बाद जब 3 महीने से ज्यादा की एज का पप्पी है तो उसे आप हर महीने 3 महीने तक, यानी 3रे महीने के मैं तो दे ही रहे, 4th, 5th, और 6th महीना जब तक आता है तब तक आपको 1-1 महीने से देना है। इसके बाद अगर आपका डॉग काफ़ी हद तक वेजिटेरियन है तो उसे 3 महीने से डिवॉर्मिंग की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर नॉन वेजिटेरियन है यानी कि आहार में 50% से ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन चल रहे हैं तो आपको 2 महीने से डिवॉर्मिंग ज़रूरी है, जो कि लाइफ टाइम आपको करवाते रहना है। इसके अलावा कई मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो ये प्रश्न करते हैं कि हम मैं पप्पी लेके आया हूँ, मुझे एज वगैरह पता नहीं है, अब मैं डिवॉर्मिंग कैसे करवाऊँ। तो फ्रेंड्स, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जो भी एज उसकी है आप 15 दिन से डिवॉर्मिंग करवाएं, और जो ही आपको लगे कि ये 3 महीने से बड़ा हो गया है उसके बाद आप 1 महीने से करवा दें, और आपको ये लगे कि ये 6 महीने से बड़ा है तो आप 2 महीने से करवा दें, ताकि डिवॉर्मिंग ज़रूर करवाएं, किसी भी प्रकार की बहानेबाजी अपने पेट के साथ ना करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डिवॉर्मिंग जो शेड्यूल है वो निश्चित शेड्यूल फॉलो करें। इसके बाद आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ कि डिवॉर्मिंग यानी कि कीड़े मारने की दवा हमें देनी कब है। तो इसके लिए सही समय जो होता है वो होता है रात को सोते समय। वैसे तो फ्रेंड्स थोड़ा सा भूखा रखना है 1 घंटा पहले और 2 घंटा बाद, तो आप किसी भी समय रख सकते हैं पप्पी को, लेकिन रात को सोते समय, क्योंकि वो वैसे भी उस समय कुछ खाता पीता नहीं है, तो उस समय आप दे सकते हैं। जैसे आपने मान लीजिए शाम का जो दूध पिलाया है या शाम के समय जो आपने पप्पी स्टार्टर दिया है, जो भी फूड दिया है वो 9 बजे दिया है, तो आप 10:30 बजे उसकी डिवॉर्मिंग करवा दें, और फिर पूरी रात वैसे भी उसको कुछ खाना पीना है नहीं, सुबह आप आराम से खिला दें,
कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी।